भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। अरे भैया, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। जिसके पिताजी ने बोफोर्स घोटाले के दलाल को भगाया, भोपाल गैस कांड के आरोपी को भगाया, ना ना वो चोर थोड़ी है। जिसकी सरकार में कोलगेट, कॉमनवेल्थ, आदर सोसाइटी, नेवी लिंक कांड जैसे अरबों खरबों के ऐतिहासिक घोटाले हुए हैं, वो तो बेमानुष है भैया। पर जिसने 15 साल के बतौर सीएम और 4 साल के बतौर पीएम के करियर में कभी 5 रुपए भी नहीं लिए, वो चौकीदार आज चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। नीरव मोदी की कॉकटेल पार्टी में गुलछर्रे उड़ाने वाला और माल्या के किंगफिशर प्लेन में फ्री के ऐश करने वाला खानदान तो देशभक्त है ना। पर जिसकी 90 साल की माँ आज भी ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करती है, वो चौकीदार चोर है। जिसकी सरकार में इन नीरव मोदी और माल्या को हजारों करोड़ के लोन बांट दिए, ऑफकोर्स फेवर्स के बदले, तो वो चोर लुटेरे को खड़ा करने वाले चोर नहीं है। पर उन्हें वापस लाने के लिए दुनिया भर में कड़ा शिकंजा कसने वाले हमारे चौकीदार चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। नामदार बाप ने जैसे बोफोर्स में कमीशन खाया, वैसा कमीशन रफेल में नहीं मिला। तो जिसने 10-10 साल तक एक प्लेन नहीं खरीदा, पूरे देश की सुरक्षा दांव पर लगाई, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर में पैसे खाए, सेना को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, वो तो भाई साहब सबसे बड़े देश प्रेमी लोग हैं। पर जिसने आते ही सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाए, वन रैंक वन पेंशन दिलाई, राफेल विमानों का सस्ते से सस्ता सौदा जल्द से जल्द निपटाया, वो बेचारा आज सफाई देता फिर रहा है, क्योंकि चौकीदार तो चोर है। वाह रे मेरे नामदार, वाह। क्या कमाल की दोगलापंती है। जिसका जीजा किसानों की जमीन हड़प गया, वो तो पवित्रता की गंगा है गंगा। और चोर कौन है? जिसने किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया, जिसने किसानों को क्रेडिट सीधा उनके खाते में देना शुरू किया। वाह रे मेरे नामदार, वाह। और एक बात बताऊं, जिसकी माँ बिना बिजनेस किए विश्व की चौथी सबसे धनिक महिला मानी जाती है, इंग्लैंड की रानी से भी ज्यादा रिच मानी जाती है, जो खुद माँ बेटे हजारों करोड़ के नेशनल हेरल्ड घोटाले में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, कुल मिलाकर जो खुद चोर, जिसकी माँ चोर, जिसका बाप चोर, जिसका जीजा चोर, जिसका पूरा खानदान चोर, वो चोर आज शोर मचा रहे हैं कि देश के लाखों चोरों को पकड़ने वाला चौकीदार चोर है। हद है भैया। दरअसल सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ। जो ईमानदार नेता अब तक हम नायक जैसी फिल्मों में देखा करते थे, वो अब असल में आ गया है। इसलिए तो इन सभी नामदारों की लंका में आग लगी पड़ी है। अरे नहीं नहीं भैया, तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ। हम में से एक एक जानता है कि ये बाप दादा के जमाने से चोर है, पर फिर भी ये आए दिन हमारे सामने उल्टा शोर मचाते हैं। देखिए, 100 बात की एक बात, चौकीदार तो जागा हुआ है, पर अब जरूरत है हमें जागने की और इन चोरों की नींद हराम करने की। अगर आपको लगता है कि काजल हिंदुस्तानी की बात में दम है, तो पहुंचा दीजिए ये वीडियो घर घर तक, ताकि हर घर से आवाज आए, भारत माता की जय, भारत माता की जय।